नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। अज असी देसी ग्राउंड दे कोल आए हां जिथे कि चावला प्रिजन स्टोर हैगा आ, उत्थे कि इन्हां नूं कल जिद्दां कि पुलिस ने तंग कीता कि ओह बेचारे कह रहे कि साडे नाल धक्का होया कि इत्थों दुकान तों मैनूं चक के लै के गए आ ते थाने दे विच ले आ के कि पुलिस इंस्पैक्टर ने मैनूं गालां कढ़ियां हैगियां ते उस तों बाद मैनूं 5 मिंट बाद छड्ड दित्ता कि उन्हां दी तकलीफ है कि मैनूं परमिशन होण दे बावजूद भी मैनूं धक्का कीता जा रहा है कि आओ आपां दी जबानी गलबात करदे उन्हां नाल की कीता पुलिस मुलाजम ने। हांजी सर। सर मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है जी, मेरी शॉप दरेसी के कोल हैगी है चावला प्रोविजन स्टोर के नाम से। कल की मैं वारदात दसदा जी, पिछली ज़्यादा गल नहीं दसदा पर मौके मुद्दा तो मैं दस देना भी इन्हों पैसे नहीं मिलते पे, उस वजह ने सू तंग करना शुरू करता। जो तक पैसे मिलते उद तक साड़ी शॉप से कोई नहीं आता सी, सूँ पता कि कहते सी उल्टा भी तुम जो मन जिनी मर्जी देर काम करो असं बैठे हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जो असं बंद देने बंद कर दते, इन्हों की वगारा बहुत व्डिया व्डिया हो गई, वो तो असं बंद करते, असं इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। उदो उन्होंने आकर सूँ तंग करना शुरू कर दिता, एक बजे आना फिर डेढ़ बजे आना, इन्होंने तंग करना बंद करो सी। 3 बजे तक तो डीसी साहब ने परमिशन दी हुई है, साड़ी एजेंशियल के आंदा कम, असं करियाना वेचते हैं, नहीं नहीं बंद करो बंद करो, इन्होंने कह के चल जाना। असं चलो जी थले शटर करता सी भी क्यों बहस ना जी, भी अफसर ने की कहना। 3 बजे तो बाद 7 बजे तक साढ़े को डिलीवरी की परमिशन है, असी अपना समान पैक कर रहे थे, डिलीवरी भेजनी सी। दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं खड़ा सगा, कोई नहीं सगा, तुम सीसीटीवी फुटेज लगी है चैक कर सकते हो, कोई भी अंदर नहीं सी, ना सीसीटीवी ने मेरा लिहाज करना। इन्होंने जी की किया 3:55 तक गड्डी का हूटर मारिया, मैंने लगे शायद कोई इन्होंने लेना होगा क्योंकि अगे भी कोई ना कोई माड़ी मोटी चीज़ ले जाते, ना नहीं करते, इन्नी पुलिस काम कर रही थी ना नहीं करते। आए जी 3:55 आए, इन्होंने सर तो मैनू बाहर बुलाया, मैं बाहर गया, इन्होंने गाल कट के मैं कहते कहते बिठा कहते बच्चे, मैं कहा जी सर मेरे तो परमिशन हैगी है भी अंदर, तुम अंदर की फोटो भी देख लो, अंदर जाके फोटो खिंच लो, बाहर फोटो खिंच लग पे, मैं कहा अंदर की फोटो भी खिंच लो, अंदर कोई भी कस्टमर नहीं है। कहते मैं तेरा प्यो का नौकर थोड़ा लगा, यह लैंग्वेज इन्हों की है, साड़ी वैसे महान पंजाब पुलिस जी लैंग्वेज आ, इन्हों की बहुत अच्छी लैंग्वेज आ, बड़ी रिस्पैक्टेड लैंगुएज बोल रहे हैं। तो इन्होंने मैनू गड्डी बिठा के लिया, तो मैं उदो DCP साहब न भी फोन किया जी, तो मैं मेरे फ्रेंड उन्होंने फोन किया, मैं क्या मैं लै गए मैंने थाने लैके जा रहे हैं क्योंकि मैं उन्होंने डिस्कस ऑलरेडी कर रहा, मैं 3-4 दिनों तो मैं बहुत परेशान हाँ, तो मैं रो के भी हटिया हूँ, अगे भी मैं बहुत परेशान है, मैंने बहुत दिक्कत आ रही है। मैं क्या भी मैंने लैके चले थाने, हो सकता मेरा मोबाइल भी खो लैन, तो मैंने कुटन भी मारन भी, तो तुम देख लियो मैं थाने चला, मैंने नहीं पता लगना कि होना की नहीं होना, मैंने कुछ नहीं पता लगना। पर उन्होंने अगो फोन करवाया किसी का जो किया, तो मैंने कहें भी जो मैं थाने पहुँचा 10 मिनट, मैं कहें मुंशी साहब कहें जी कहते जाओ जी, मैं क्या अच्छा जी, मैं क्या तुम मैंने चक के क्या लियाओ, मैं क्यों जावा, तुम चक के लियाओ, मैं कोई क्राइम किया होगा, किसी का कतल किया, किसी से शराब बेची है 2 नंबर की अफीम बेची है, कुछ बेचा, कोई क्राइम किया होगा, तुम तो चक के लाए, तुम मेरे तक कार्रवाई करो, तुम चक के लाओ, नहीं नहीं भाजी तुम जाओ 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 जाओ, फोन आ गए फोन आ गए, मैं कहा कहते फोन आ गए, असं कोई गलत किया नहीं, परचा पाओ, नहीं तुम घर जाओ जी घर जाओ, मैं घर जा नहीं रहा, फिर मैं SHO मुंशी साहब ने अपने फोन तो SHO साहब ने गल कराई भी तू जा भी हाँ तू जा भी तेन कोई दिक्कत आती है भी मैं तेन फोन करता, मैं क्या सर भेज दे क्यों दसो सू, कहते मैं नहीं भेजी जी, तो SHO साहब ने गड्डी नहीं भेजी चक्कर ली, तो फिर इन्हों के जो निचले अफसर ने उसने तंग करते हैं। SI कुलदीप सिंह है वह रिश्वत खोर है 1 नंबर का, पूरे एरिए पता SI कुलदीप सिंह बारे, पैसे खाणू पैसे दे चलो, लोगों की छिल लाई चलो, वह कहते भी सानू पैसे दो। SHO बारे कह रहे SI कुलदीप सिंह, उन्होंने सानू बहुत ज़्यादा परेशान किया है जी, अत चक्की हुई है बहुत ज़्यादा, असं तो परेशान हो चुके हैं। प्रशासन तो की मांग, प्रशासन मांग करते, प्रशासन हरेक तो देखता ना, जो हरजीत सिंह का हाथ वढ़िया गया वो सारे ने सिंपथी उत्थे की, सारे प्रशासन ने की, तो जो किसी आम बंदे ने धक्का होंदा उदो प्रशासन क्यों चुप रहिंदा है। मैं उन्होंने कमिश्नर साहब न भी मैं उन्होंने पा रहा वा भी मैसेज लेके पा रहा, DC साहब प्रदीप अग्रवाल जी ने भी मैसेज लेके पा रहा, उदो प्रशासन क्यों चुप रहिंदा, रीज़न सानू दसन तो सही ना भी असं कितने गलत हाँ, जे नहीं दस सकते तो फिर लंगर के नाल कैप्टन साहब को फरनैल दी बोतलां भेजो, दुकानदारों वण के दुकानदार मर जाण, काम खत्म हो जाए जी। तुसीं देखिया किदा कि जिहड़े कि दुकानदार आ उह अपना रोस जाहर कर रहे कि उन्हां नाल किन्ना धक्का होया, जिहड़े कि SI कुलदीप सिंह हैगे आ कि उह उन्हां नाल शरेआम धक्का कर रहे आ, रुपयां दी डिमांड कर रहे आ। देखो जी असीं किसे नूं परेशान नहीं करदे, जो प्रशासन दे हुकम ने असीं उहदे मुताबिक जिहड़ी बणदी कारवाई उह करदे आ, असीं किसे नूं तंग परेशान नहीं कीता, ना किसे नाल कोई गाली गलौज कीती इहनां नूं। देखो सानू इत्थे किसे बंदे ने आख्या सीगा साडियां दुकानां बंद ने, इहनां दी खुल्लियां ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹ
ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਤੀ ਨੇ ਚਲ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰ। ਉਹ ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ 24। ਹੈਪੀ ਹਨੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਵਿਨੋਦ ਕਸ਼ਯਪ।